क्या आपका भी ओप्पो का फोन आपसे लॉक हो गया है गलती से, चाहे किसी से भी लॉक हुआ हो? आप हो सकता है पिन पासवर्ड पैटर्न भूल गए हो अपने ओप्पो के फोन के, और आप कंफ्यूज हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो सही नहीं मिल पा रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास ओप्पो का कोई सा भी स्मार्टफोन हो, पिन पासवर्ड फिंगरप्रिंट पैटर्न फेस लॉक कोई सा भी लॉक हो, अनलॉक हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डर है कि आपका डेटा कहीं लॉस ना हो जाए, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। हमारी ट्रिक से आपको आपका कोई डेटा लॉस होने हम नहीं देंगे, आपने चाहे कोई सा भी लॉक लगाया हो। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास ओप्पो का कोई सा भी फ़ोन हो, A9 हो, F7 सीरीज का फ़ोन हो, A सीरीज का फ़ोन हो, K सीरीज का फ़ोन हो, चाहे आपके पास ओप्पो का 3 साल पुराना फ़ोन हो, 5 साल पुराना फ़ोन हो, या फिर नया फ़ोन हो, A78, A79, कोई सा भी फोन हो, 5G हो, 4G हो, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। ठीक है, तो किस तरीके से इसको अनलॉक करेंगे चलिए सीखते हैं और जानते हैं मेथड किस तरीके से फोन को अनलॉक किया जाता है। अगर आपने YouTube पे वीडियो को देखा होगा तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि जिस बंदे का वीडियो आप देख रहे हैं उसका फोन अनलॉक हो जाता है बट आपका नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन को ऑफ करके एक बार ऑन कर लेना है। सारा सेटिंग जो भी आपने किया होगा, कोई मेथड ट्राई किया होगा किसी दूसरे यूट्यूबर्स का, तो नियम ये कहता है कि जब एक मेथड आप ट्राई करें तो फोन को रीस्टार्ट कर ले, ऑफ करके ऑन कर ले फिर से। ठीक है, चलिए, अब आपके स्क्रीन पे कुछ भी लिखा आ रहा हो इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ढूंढना है इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी SOS या फिर इमरजेंसी कॉल। इस तरीके से नीचे में आपको यहाँ पे जरूर दिखाई देगा इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी SOS कुछ भी होगा यहाँ पे, आप इस तरीके से इस ऑप्शन को टैप करेंगे। ये देखिए, टैप करते ही डायलर पैड का ऑप्शन आएगा, हो सकता है डायलर पैड का ऑप्शन दबाने पर आए, दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा, डायलर पैड आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड आपको करना है, अपने फोन में एक बार डायल करके देखना है *Z13 और है जिस तरीके से, ये देखिए क्या डायल करना है, स्टार, ध्यान से देखिए, इमरजेंसी कॉल में गए, *Z13 और है जिस तरीके से डायल करना है। हैज डायल करते हैं आप देख रहे होंगे कि हमारा फोन ऑटोमेटिक वॉलपेपर मोड में चल जा रहा है, लॉक स्क्रीन में वापस चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? जिन लोगों के साथ इमरजेंसी कॉल में जाके *Z13 और हैज जो डायल कर रहे हैं और लॉक स्क्रीन में चला जा रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि ये इस फोन के साथ हो रहा है, इसका चांसेस जो है बहुत कम होता है फोन को अनलॉक करने का ऑफलाइन तरीके से। कंप्यूटर से तो कोई भी फोन अनलॉक हो जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन फ्री में ये मेथड काम नहीं करता है। उसके लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फोन *Z13 और हैज को दबाते ही आपका फोन जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसी तरीके से सिर्फ डायलर पैड पे डाला हुआ है, तो आपको करना है ये कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक FRP कोड *Z8, ये देखिए ये कोड कुछ इस प्रकार है, और हैज दबा के आपको इस कोड को सबसे पहले डायल कर लेना है। किनको डायल करना है? जिनका लॉक स्क्रीन में नहीं जा रहा है उनको यहाँ पे ये डायल करना है, और डायल करने के बाद आपको ये कॉल करना है। देखिए, हमारा *Z813 और हैज से लॉक स्क्रीन में जा रहा है बट आपका नहीं जा रहा है, तो ये आप ही को करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका फुल्ली जो फ़ोन है FRP लॉक है। ठीक है, हमारा फ़ोन जो है उसमें बहुत टाइम लगेगा अनलॉक करने में, उसके लिए भी मैं मेथड बताऊंगा, लेकिन आपको ये सबसे पहले ये ट्राई करना है। स्टार है ये जो मैंने कोड दिया है, ये उन्हीं लोगों को डायल करना है जिनका लॉक स्क्रीन में नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार, इस तरीके से चार बार आपको कॉल कर लेना है। ठीक है, आप, मैं ये आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि अपने फोन में फिर से आपको क्या करना है, इस तरीके से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद वापस से आप जाएंगे इमरजेंसी कॉल में, *Z899 और हैज का प्रयोग करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमने इसको किया, और करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनुअल टेस्ट का, उस पर आपको टैप करना है। मैनुअल टेस्ट के ऑप्शन को टैप करते ही आपको ये पहला ऑप्शन दिखाई देगा, स्वैप करेंगे तो दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा, डिवाइस डिबगिंग। जैसे ही ये डिवाइस डिबगिंग वाला ऑप्शन आपको दिखे, यहाँ पे आपको ढूंढना है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन,
इसको टैप करते ही आपके फोन में जितने सेंसर होंगे सब आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जितने भी सेंसर है सबको स्टार्ट कर देना है। कोई एक सेंसर अगर आपका पास हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। हमारे केस में 2 सेंसर फेल है, 1 पास है। हो सकता है आपके सारे सेंसर पास हो सकता है आपको सारे सेंसर फेल हो। तो वैसे में आपके पास जितने सेंसर है सबको दोबारा तिबारा आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बार बार सारे सेंसर फेल हो रहे हैं तो फोन को रीस्टार्ट करके सारा प्रोसेस फिर से करके ट्राई करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमने कर लिया, अब इसको बैक करेंगे। अब इस ऑप्शन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे लास्ट में जो अदर्स का ऑप्शन है। ये देखिए अदर्स का ऑप्शन है सबसे लास्ट में, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बाद कोई भी आपका यहाँ पे मेनू नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पे है। तो इसको आप जैसे ही रीसेट करेंगे आपके फ़ोन में पिन, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सारे को ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। ठीक है, सारे को ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा और आपसे कुछ नहीं मांगेगा। अब इस ऑप्शन में हम बैक जाएंगे। बैक जाते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रीड राइट का, तो इस रीड राइट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। फर्स्ट टाइम इसको कैंसिल कर लीजिएगा और सेकेंड टाइम जब आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड क्या है जरा ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम डायल करेंगे और डायल करने के बाद यहाँ पे से भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से ओके भी कर सकते हैं। ओके करते ही देखिए नीचे रॉन्ग पासवर्ड का कुछ मैसेज आ रहा है, आपके पास भी आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मैसेज देखने के बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है की स्टेटस पे इस तरीके से टैप करना है। ये देखिए की स्टेटस पे हमने टैप किया और यहाँ पे क्या मैसेज हमारे पास आ रहा है कि जितने भी तरीके के फ़ोन में हमारे की थे, यानी कि पिन हो गया, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, सबको ये ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। लास्ट में देखिए इम्पॉर्टेंट है गूगल की। अगर आपके फ़ोन में गूगल की शो नहीं कर रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि गूगल की हमारे में नहीं दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि गूगल की यहाँ पर दिखाएगा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने अपने फ़ोन को फुल्ली FRP लॉक अगर करवा बैठे तो गूगल की यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये गूगल FRP के पास हुआ अब आपको बैक चल जाना है। यहाँ से एक बार बैक गए, फिर से बैक करना है, दो बार बैक गए। अब जब थर्ड टाइम आप बैक जाएंगे तो मैजिक देखिए कि आपका फ़ोन जब थर्ड टाइम बैक करेंगे तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। आपसे ना तो पिन मांगा गया, ना ही पासवर्ड, ना ही पैटर्न। गैलरी को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर का वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिक है। और ये वीडियो मैं 21 तारीख को बना रहा हूँ, हो सकता है 22 तारीख को सुबह में आपको ये वीडियो मिल जाए। तो डेटा भी हमारा कोई डिलीट नहीं हुआ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैसेज एक बार खोल के चेक कर लें, ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।